हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस समय इंडिया में सर्दी का मौसम होता है ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अब हमारे यहाँ से जस्ट अपोजिट है। यह सब होता है मौसम बदलने के कारण। लेकिन मौसम बदलते कैसे हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। मौसम बदलने के पीछे नॉर्मली दो थ्योरी हैं। पहली थ्योरी के अनुसार, क्योंकि अर्थ सन का परिक्रमा एक इलिप्टिकल पाथ में लगाती है, इसलिए वह साल की कुछ समय सन से दूर रहती है और कुछ समय सन के पास रहती है। जिस समय वह सन के पास रहती है तब उस समय गर्मी का सीजन होता है, और जिस समय वह सन से दूर रहती है तब सर्दी का सीजन होता है, जो कि सुनने में लॉजिकल लगता है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जनवरी के समय सन सबसे पास होता है अर्थ की, और तब इंडिया में सर्दी होती है, और जून के समय सन सबसे दूर होता है अर्थ के, इस हिसाब से इंडिया में सर्दी होनी चाहिए, लेकिन तब इंडिया में गर्मी होती है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अर्थ के दो पोल हैं, पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी नार निकलती है, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्थन एरिया, जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं साउथन एरिया। और दूसरी बात, जो अर्थ है वह सन का परिक्रमा लगाती रहती है और साथ साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है। वह एक इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर निकलता है, लेकिन वह वर्टिकल नहीं है, वह 23.5 डिग्री झुका हुआ है वर्टिकल एक्सिस से। और तीसरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ टिल्ट है या झुकाव की डायरेक्शन है, वह कभी चेंज नहीं होती। अर्थ बार हमेशा इस झुकाव की डायरेक्शन को मेंटेन करके रखती है। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। मान लो ओ सन है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अर्थ की डिफरेंट पोजीशन है, और जो रेड ए है वह एक डायरेक्शन है, और रेड एरो है वह झुकाव की डायरेक्शन को दिखाती है। इसलिए फर्स्ट पोजीशन में अर्थ की झुकाव की डायरेक्शन ए तरफ होगी, और सेकंड पोजीशन में फिर से अर्थ की झुकाव की डायरेक्शन ए तरफ होगी, ना कि ओ तरफ। जब थर्ड पोजीशन में अर्थ आएगी तब उसकी झुकाव की डायरेक्शन फिर से ए तरफ होने के साथ साथ बी ओ तरफ भी होगी, क्योंकि ओ और ए अब एक ही लाइन में आ जाएंगे। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन में भी अर्थ की झुकाव की डायरेक्शन ए तरफ होगी, ना कि ओ तरफ। इस तरह से अर्थ अपनी झुकाव की डायरेक्शन को मेंटेन करे रहती है, लेकिन इस वजह से जो पोल की डायरेक्शन है वह बदलती रहती है सन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि थर्ड पोजीशन में जो नॉर्थ पोल है वह सन की तरफ झुका होगा, और जो साउथ पोल है वह सन से दूर होगा, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन में जो दोनों पोल हैं वह सन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन में फिर से नॉर्थ पोल दूर चला जाएगा और साउथ पोल सन के पास आ जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ पोल भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो 23.5 डिग्री का झुकाव है वह हमेशा मेंटेन रहता है, और उसकी डायरेक्शन भी। पोल की डायरेक्शन बदलने से ही असल में मौसम में चेंज आता है। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पोजीशन में अर्थ कुछ इस तरह होगी। इस पोजीशन में हम सबसे पहले नॉर्दर्न एरिया की स्टडी करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न एरिया का ज़्यादातर पार्ट है वह नाइट कंडीशन में है, और थोड़ा सा पार्ट डे कंडीशन में है। इस कारण जो डे टाइम में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से नॉर्दर्न एरिया, वह बहुत कम होगी उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी रात के टाइम रेडिएट होगी स्पेस में, क्योंकि हीट दिन के समय कम एब्जॉर्ब हो रही है और रात के समय ज़्यादा निकल रही है, इसलिए टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और नॉर्दर्न एरिया में सर्दी का मौसम हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन में ही साउदर्न एरिया कुछ इस तरह होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि साउदर्न एरिया का जो ज़्यादातर पार्ट है वह डे कंडीशन में है, और थोड़ा पार्ट नाइट कंडीशन में है। इस कारण से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी डे टाइम में, और थोड़ी हीट एनर्जी रेडिएट होगी स्पेस में नाइट टाइम में, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और साउदर्न एरिया में गर्मी का मौसम होगा। फर्स्ट पोजीशन में अर्थ दिसंबर और जनवरी के बीच में आती है। यह वही टाइम होता है जब इंडिया में सर्दी का मौसम होता है, और ठीक इसी टाइम ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम होता है। इसी तरह सेकंड पोजीशन में आते आते अर्थ कुछ इस तरह हो जाएगी, और अर्थ के दोनों पोल सन से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। इसलिए फर्स्ट पोजीशन कंपैरिजन में नॉर्दर्न एरिया का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ेगा और साउदर्न एरिया का टेम्परेचर थोड़ी घटेगा, जिस कारण से नॉर्दर्न एरिया में स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम हुआ। और क्योंकि पहले ही साउदर्न एरिया में गर्मी का मौसम हो चुका है, इसलिए गर्मी के मौसम में जो वहाँ पर वाटर वेपर बनी होगी यानी पानी की भाप बनी होगी, वह अब टेम्परेचर कम होने के साथ कंडेंस हो जाएगी और घने बादलों में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर बरसात का मौसम हुआ। अर्थ सेकंड पोजीशन में अप्रैल के टाइम आती है, इसलिए आप जानते हैं कि अप्रैल में बसंत का मौसम होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया नॉर्थन एरिया में आता है ग्लोब के। थर्ड पोजीशन में आते आते जो अर्थ है वह कुछ इस तरह हो जाएगी। इसलिए जो साउथ पोल है वह सन से दूर चला जाएगा,
और जो नॉर्थ पोल है वह सन के पास आ जाएगा। इसलिए इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम होता है और इंडिया में गर्मी का, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वह साउथर्न एरिया में आता है और जो इंडिया है वह नॉर्थर्न एरिया में आता है। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन में फिर से अर्थ के दोनों पोल इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे सन से, इसलिए जो नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर बरसात का मौसम रहेगा और साउथर्न पार्ट में स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम रहेगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यही पूरी साइंस होती है मौसम बदलने के पीछे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्टेक्स को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।